कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव सकल कामना त्याग कर करूं तुम्हीं से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु सार। मनुष्य मंदिर के अंदर गंदी चीजों को, मांस मछली अंडा शराब को न डालो, छल कपट दम पाखंड से दूर रहो, चालाकी गुरु से मत करो। चालाकी कैसे होती है ये भी बता दे। हनुमान जी का एक बहुत बड़ा भक्त था, ओ गाल बजाता, घंटा बजाता, घंटों खड़ा रहता, हो प्रसाद ले जाता चढ़ाता, हो फूल पत्ती चढ़ाता। तो क्या हुआ, जा रहा था तो देखा खजूर बहुत अच्छे अच्छे लगे हैं। तो ये मन है ना, मन जिधर लग जाता है वो काम कराता ही कराता है। वो फकीरों के दृष्टांत में आया है कि वो फकीर जा रहा था, देखा खजूर बहुत अच्छे अच्छे हैं, बोला खाना चाहिए, लेकिन कहा पैसा तो है। तो मन ने कहा पैसा कमा के लाओ, खजूर खिलाओ। तो गया मजदूरी किया और पैसा लाया, खजूर खरीदा, खजूर खूब मिल गया, खूब खजूर खाया, खूब खाया खजूर, कहा ले खिलाता हूँ तुझको। अब उसके बाद जब ज्यादा खजूर खाया तो उल्टी हो गई, और उल्टी हो गई तो खजूर सीधा सीधा निकला। तो मन से कहता खा, मन कहता अब इसको नहीं खाएं, अरे खा तो नहीं खाता है, खा। तो यह तो सब लोग जान नहीं पाते हैं, आप समझो खाते चले जाते हैं, फिर उल्टी हो जाए तो छोड़ के चले जाते हैं, यही सिखाया गया उनको। तो कहने का मतलब मन ये जो है जिधर जाता है लगा रहता है। थोड़ी दूर चले गए, बोले भाई बहुत ऊंचा है, कहाँ से तोड़ मिलेगा, नीचे तो कोई गिरा नहीं है खजूर। थोड़ी दूर जब गया तब फिर मन ने कहा तेरे खजूर खा लो। फिर देखा यहां से कोई पत्थर भी नहीं पहुंचेगा वहां, फिर मन ने कहा खजूर खाओ, खजूर खिलाओ। फिर मन ने कहा चढ़ जाओ, मन ही तो शरीर को चलाता है, मन ही चलाता है, मन ही कहता उठ जाओ, मन ही कहता बैठ जाओ, मन ही कहता भजन कर लो, मन ही कहता उठ जाओ भजन से। तो चढ़ता चला गया खजूर के लालच में, खजूर तो खूब खाया, लेकिन जब उतरने को हुआ तो ऊपर देखता हुआ चढ़ गया। जब नीचे देखा उतरने को तब कहा अरे बाप रे बाप, इतनी ऊंचाई पर चढ़ के आ गए, अब उतरेंगे कैसे, अब तो हमारे बस का नहीं है। हाथ पैर कांप गया उसका, कुएं खड़े हो गए ऐसे भय से डर से। तब कहता है अब हनुमान जी आपके अलावा और कोई सहारा नहीं, आप तो पौन तने बल पौन समाना, आप तो पौन के पुत्र हो, आप तो उड़ करके गए थे, आप में अंदर बहुत शक्ति है, वज्र समान आपने अपना शरीर बना लिया और पहाड़ उठा करके ले आए। हनुमान जी आप दया करो और आपको हम क्या रहा, शेयर शेयर चलता था उस समय, जैसे किलो चलता है, 17 चटाक का कुछ होता है किलो, अब 16 चटाक का था। कहा 11 शेयर हम लड्डू उतरते ही जाके खरीद के और चढ़ाएंगे आपके मंदिर में। तो हिम्मत बंदी ताकत का एहसास किया, अः हनुमान जी में कितनी ताकत थी, और हम हनुमान जी के भक्त हैं। तो उतरा, आधी दूर जब चला आया तब कहा आधी दूर तो उतर आए, अब तो 5-6 किलो चढ़ाएंगे, 5 किलो। देखो मन ने धोखा दिया, अब यह तो नहीं सोचा कि गिरगिट की योनि मिली थी
एक गाय राजा नृग के दान की हुई वापस आ गई थी और फिर उन्होंने दान कर दिया था, ये तो नहीं सोचा। तो आगे रोड तक आया तो कहता 5 शेर चढ़ाएंगे 5 शेर। तो बहुत नीचे आया, तो बहुत नीचे आया तो कहा थोड़ा दूर रह गया, अब तो क्या उतर जाएंगे, अब तो 2.5 शेर महाराज, 2.5 शेर हनुमान जी 2.5 शेर। और नजदीक आया कहा 1 शेर। और जब कूद गया नीचे उतर आया, देखा ऊपर काया हनुमान जी अब तो ना चढ़ेंगे और ना चढ़ाएंगे, अब कभी भी इतने ऊंचे पेड़ पर न तो चढ़ेंगे और न चढ़ाएंगे। मन धोखा दे दिया कि नहीं? कहने को तो हम लोग सब कहते हैं कि हमारा तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, तो थोड़ी देर के लिए जब तन मन धन सब गुरु को दे देते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो उन्होंने कहा भाई 22 घंटा अपना तन मन सब अपनी गृहस्थी में लगाए रहो और 1 घंटा सुबह शाम तुम हमको समय दे दो, तुम्हें याद है कि नहीं याद है? गुरु महाराज कहते थे 1 घंटा सुबह शाम प्रेमियों हमको समय दे दो, ऐसा समय मांगते थे आपसे, धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगते थे। ओ संतों के पास किस चीज की कमी है, संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का, पर तेरे धन से कुछ काम कराऊं, भूखे दुखे को खिलवाऊं। कोई झोली में जो डाल भी देता है वो सिर्फ भूखे दुखे को खिलाते हैं, परमार्थ का काम करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमी कि गुरु महाराज केवल समय मांगते थे, 2 घंटे का समय दे दो। जब 2 घंटे का समय आप दे दो और कहते हो हम तन मन धन सब गुरु को अर्पण कर दिए, तो तन को 2 घंटे में 1 घंटा जो बैठते हो क्यों उठा देते हो? 1 घंटा बैठो तो जब बैठोगे तब ये मन अगर उठाना भी चाहेगा और नहीं उठोगे, संकल्प बना लोगे तो भक्ते भक्ते रुक जाएगा, थक जाएगा तो रुक जाएगा, जब थक जाएगा रुक जाएगा तो मन के रुकने में ही काम बन जाए। अरे समझो बैठे भी रहते हो, ध्यान भी लगाते हो, भजन भी करते हो, सुमिरन भी करते हो, नए लोग आप सब समझते रहो, अभी आपको बताया जाएगा कैसे करना है, तो उसको भी करते हो, लेकिन मन कहीं और रहता। अब मन कहीं अगर और रहता है तो आपने गुरु को मन दिया कहाँ? जब सबसे पहले यही बताया गया संत मत में, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, तो शुरू में ही आपका मन गुरु का ध्यान करने में ही भटक गया, तो आपने गुरु को मन कहाँ दिया? मन कहाँ दिया गुरु को आपने? तो उतने देर के लिए मन को रोको, उसी तरफ लगाओ और समझो, धन को भी समझो कि गुरु की दी हुई चीज है। गुरु जाही बिदे राखे, गुरु वाही बिदे रहिए, जाही बुद्धि, जो भी बुद्धि, जब गुरु की बुद्धि, जब यह तन गुरु का हो गया तो तन के अंदर ही बुद्धि है, समझो समझो, तो बुद्धि से गुरु हमारे काम लेने जो जैसा चाहे करा ली। तो जो गुरु को सोचता रहता, मस्तक पर सवार रहता है प्रेमियों, उसका काम बन जाता है। अब ये जरूर बता दें आपको कि कहा गया वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कुम, वक्त गुरु तो गुरु महाराज जो थे आपके प्रेमियों वो तो चले गए, अब दूसरे इस काम के मदद के लिए दूसरे जिसको अधिकार मिला है उसकी बातों को सुनना और अमल करना चाहिए, और जो नए लोग हैं उनको वक्त गुरु की खोज करनी चाहिए, वक्त का डॉक्टर, वक्त का मास्टर और वक्त के गुरु की जरूरत पड़ती है। आप लोग पढ़े लिखे लोग इसमें बैठे हो, अब आप ये कहो कि हमारे पिताजी को जिन मास्टर साहब ने पढ़ाया था या हम आने समझो जिस मास्टर साहब से पढ़े थे, हम अपने बच्चे को उन्हीं मास्टर साहब से पढ़ाएंगे तो मास्टर साहब खत्म हो गए, पढ़ लिख करके आप रिटायर हो गए, नौकरी करके वो कहाँ से रहेंगे, खत्म हो गए। अब अपने बच्चे को अपने वादे तक पहुंचाने के लिए कि पढ़ करके जिस नौकरी को हमने किया इससे ऊंची नौकरी को पाने के लिए, तो उस समय के मास्टर के पास बच्चे को ले जाना ही पड़ेगा। कोई कहे कि हमारे पिताजी का इलाज करके, दवा करके हमारे पिताजी के रोग को ठीक किया था, हम उन डॉक्टर साहब से वैद्य जी से इलाज कराएंगे, अब तो वो रहे नहीं, मर गए, तो कैसे आप इलाज करा पाओगे अपना? इसलिए वक्त के डॉक्टर, वक्त के गुरु की जरूरत पड़ती है। आप ये समझो प्रेमी,
वक्त के मास्टर की जरूरत पड़ती है। तो वक्त का गुरु कैसा होना चाहिए? शब्द भेदी गुरु होना चाहिए, क्योंकि शब्द से ही यह संसार बना है। अंड पिंड ब्राह्मण देवी देवता सब शब्द से बने हैं। जब शब्द का खिंचाव हो जाता है तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। देवी और देवता भी ये सब चटाई की तरह से सिमट जाते हैं। तो वक्त के गुरु कौन थे, वक्त का नाम कौन था, कौन होता है? नाम तो वही चला रहा है आज ही ना, आ गया ना। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो कुप्त जब निर्ला समझे कोय। शुरू से जो नाम चला है और वही नाम जो चलता आ रहा है, आप ये समझो जब तक ये दुनिया संसार सृष्टि रहेगी वो नाम रहेगा। वो नाम है समझो कि यानी गुप्त नाम, उसको गुप्त जपना पड़ता है। आप ये समझो वो नाम यानी समझो कहाँ मिलता है, जहां पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, यानी कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। यहाँ उन्होंने ये कहा राम न सकहिं नाम गुण गाई, कहलक करों में नाम बढ़ाई, नाम की महिमा का वर्णन राम भी नहीं कर पाए, कैसे किया जाए? तब का नाम मिलेगा कहाँ, बता तो देते हैं लोग, पाप करोगे नर्क जाओगे। लेकिन अगर किसी के शरीर से मनसा वाचा कर्मणा से पाप हो ही गया, क्षमा कैसे होगा? अरे भाई कैसे क्षमा होगा? क्षमा जो करवा दे, क्षमा का उपाय जो बता दे, वो उससे ज्यादा गुरु जानकार होगा जो ये कहता है कि यानी पाप करोगे तो नर्क जाओगे। तो वो यानी समझो नाम मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा? गोस्वामी जी ने वो भी यह भी बताया, यहाँ कहा गुरु की जरूरत है, यहाँ उन्होंने गुरु की पहचान भी बताया कि सिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिर दिव्य दृष्टि हुए होती। ऐसे गुरु जिनके दृष्टि पड़ते ही दया के नख के याद करते ही चरणों को चरण कमल का दर्शन करते ही आप ये समझो कि दिव्य दृष्टि यानी खुल जाए, यानी दया हो जाए और चरण का दर्शन हो जाए, दिव्य दृष्टि खुल जाए। ये उन्होंने कहा, सब बताया उन्होंने। जहाँ ऐसे गुरु की वंदना करनी चाहिए, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, उन्होंने कहा बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु कंज गुरु। कंज गुरु कहते हैं, कंज गुरु को उसको कहा गया वो यानी समझो कि यानी बेहद का गुरु, और यानी समझो कि हद का गुरु और बेहद का शब्द भेद गुरु को बेहद का गुरु कहा गया, जो हद और बेहद को बतावे। हद किसको कहते हैं? आप ये समझो हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और हद और बेहद दोनों तजे हुआ कर मता आघात है। सो बेहद, बेहद जहाँ कोई हद ही नहीं है, जिसको अनामी कहा गया, जिसको अगम अपार कहा गया, आप ये समझो उसकी जानकारी जिसके अंदर हो वो गुरु हुआ कर। तो मिलेगा कहाँ प्रेम? मिलेगा नाम रहा का, नाम कहाँ मिलेगा? नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न जीना, बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती है। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज ने तस्वीर लगी है जिनकी, वो गुरु महाराज। आप ये समझो गुरु की तस्वीर क्यों लगाई जाती है? इसलिए कि गुरु का ध्यान करना होता है शुरू में तो याद नहीं रह जाता है उनकी उनकी मूर्ति, उनका चेहरा याद नहीं रह जाता है, तो तस्वीर लगा दी जाती है। अंतर में साधना करने पर गुरु का जब दर्शन होने लगता है तो तस्वीर फोटो भी नहीं लगाया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नए लोगों के जानकारी के लिए कि ये इनके गुरु थे जो इस समय पर हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए लगा दिया जाता है। तो ये हमारे गुरु महाराज यानी समझो कि नाम बख्शीश ने दिए, नाम यानी समझो कि उन्होंने दान में लोगों को दिया। ऐसे गुरु इनकी तस्वीर लगी हुई है, इनके अधीन नाम हुआ करता है। वो कौन सा नाम? वो ध्वन्यात्मक नाम, जिससे मैंने बताया शब्द पर ही यह सब टिका हुआ है, शब्द से ही संसार बना हुआ है,
वो शब्द बेदी नाम गुरु के अधीन हुआ करता है, तो वो नाम तो इन्होंने गुरु महाराज ने दिया। लेकिन यह भी है, इस धरती पर जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने एक वर्णात्मक नाम भी लोगों के विश्वास के लिए, लोगों के फायदा के लिए जगाया। जैसे त्रेता में राम नाम जगाया था राम ने, राम नाम में उन्होंने शक्ति भर दिया था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि राम नाम में उसमें कैसी शक्ति रही है। जब लंका जीतने के लिए जाने को हुआ तब बंदर और भालुओं से कहा पुल बनाओ। बोले महाराज पुल बनेगा कैसे? अरे बोले पत्थर को डालो। बंदर और भालुओं ने सोचा पत्थर सब डूब जाएगा, कितना पत्थर डालेंगे, ये तो समुद्र है, समुद्र में पत्थर कहाँ कितना डालेंगे, को और था रहता है। समुद्र की गहराई का तो माप ही नहीं लगा पाए आज तक लोग, इतना गहरा रहता है। तो बोले कैसे डालें? बोले राम राम लिख करके डालो। राम राम लिख करके डाला और सारे पत्थर तैरने लग गए। ओ हिम्मत बंदर और भालुओं की बढ़ गई, अरे हम तो उसके साथ हैं कि जो पत्थर पर बता दिया राम लिख दो और सुन जो तैरने लग गया, क्या नहीं हम कर सकते हैं। अरे अब तो हमको विश्वास हो गया कि जिनका नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के और छलांग लगा करके समुद्र पार करके हनुमान गए थे, लंका जला के चले आए, अशोक वाटिका उजाड़ कर चले आए, एक एक बंदर के अंदर आप समझो भर दिया ताकत। रिद्धि सिद्धि काम धैन कल्प वृक्ष अनुमा गरिमा महिमा, ये प्रेम शक्तियां होती ये सब आ जाती हैं, महापुरुषों के अधीन हो जाती हैं, भर दिया उनके अंदर। हनुमान के अंदर भी तो भरा था, हनुमान इच्छा करते ही छोटे बनकर उड़ गए थे। कब? पाल उठाने के लिए, संजीवनी बूटी लाने के लिए। और जब उठाना हुआ तो गरिमा शक्ति को याद किया, वो शक्ति आ गई, भारी भरकम शरीर उठाए हो गया, उस पहाड़ उठा लिया था। तो बंदर और बालुओं ने राम नाम डाला, लिख करके पत्थर सब के सब तैरने लगे। जब तैरने लगे पत्थर तो आपके समझो हिम्मत बढ़ गई, राम नाम में शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति उन्हीं तक रही। बारह कला वाले राम जब तक थे त्रेता में तब तक रही। जब कृष्ण 16 कला लेकर के धरती पर आए, ज्यादा अत्याचार पापाचार बढ़ा था, उसको खत्म करना था उनको, सज्जनों की रक्षा उनको जब करनी थी, और वो आए तो उन्होंने कृष्ण नाम को जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहां पर खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, खड़ा को उबारा। एक चीज आपको और बता दें कि ये लोग जो थे समझो इनके अंदर काल और दयाल दोनों धार थी, इसीलिए कहा काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। समझो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल देने वाले ये थे। लेकिन संत जो होते हैं वो काल का यानी काम नहीं करते हैं, वो तो दया ही करते हैं। यह जरूर है कि जब कोई परिवर्तन करने के लिए आता है तब वो अपनी दया को जीवों पर से खींचते हैं उसकी प्रार्थना पर। जैसे सुपच यानी कौन थे, कृष्ण के गुरु थे, संदीपनी विद्या गुरु थे, ये लिखा पढ़ी वाली बात बताने वाले, उनको कला सिखाने वाले वो गुरु थे और वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो उनसे कहा अब आप अपनी शक्ति को खींचो, शक्ति को जब खींचोगे तभी इनका दोस्तों का संघार होगा, वरना इनका संघार हो नहीं सकता है। राम ने भी 12 कला के अवतार थे, दो कला मांगा था परशुराम जी से, तब उन्होंने रावण जैसे वीर का यानी खात्मा किया था। आप ये समझो रामचरितमानस के आध्यात्मिक यानी प्रकरण को अगर आप पढ़ोगे और कोई जानकार से आप पाठ करोगे तो आपको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। वो भी आध्यात्म के जानकार थे लेकिन काम करने के लिए आए थे, दुष्टों का श्रृंगार करने के लिए आए। और कृष्ण भी जानकार थे, कृष्ण को भी जानकारी थी। कृष्ण ने भी जब आने जाने को हुआ और पांडव ने कहा महाराज आप अपने धाम हमको भी लेते चलिए, साफ साफ उन्होंने कहा, साफ लफ्जों में कहा, देखो अवतारिक शक्तियों में जीवों को पार ले जाने की ताकत नहीं हुआ करती है,
तुमको किसी संत की जरूरत है, सदगुरु की खोज की जरूरत है, उनको खोजो, उनसे रास्ता लेकर के और योग साधना करो, तब तुम मेरे धाम तक पहुंच सकते हो। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, प्रभु दया करो दया करो, पूरी जिंदगी आपके साथ लगे रहे, जवानी बिताई, बुढ़ापा आ गई, बुढ़ापे में कहाँ खोज पाएंगे, कैसे योग साधना कर पाएंगे, दया करो। लेकिन 24 घंटा साथ रहने वाले को जो ठूक जवाब उन्होंने दिया, अब आप समझो बुरा मत मानो, कृष्ण के भक्त है। पहले मैं भी सबको मानता था, मैं भी इसी में फंसा हुआ था, लेकिन अब तो समझ में आया कि गुड़िया गुड्डा के खेल में मैं फंसा हुआ था, कि जैसे छोटी बच्ची होती है गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, सब चीज को समझ जाती है, तब उसको बनाती खिलाती और ससुराल नहीं भेजती है वो बच्ची जो बचपने में गुड़िया गुड्डा के साथ खेल में भेजती थी करती थी। तो आप ये समझो कि अब इस वक्त पर समझो उनको किसी ने देखा भी नहीं, और कृष्ण की पूजा करके मूर्ति करके राम पूजा की मूर्ति करके कैसे पूजा करके कैसे कोई पार हो सकता है। तो इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का आधार है, नाम जब मिलेगा और नाम को समझेंगे, नाम की कमाई करेंगे, तब पार हो सकते। तो आपको बता रहा था कि एक नाम वो जगाते हैं लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, फायदा उठाने के लिए। इन नामों को जब लोग बोलते थे तो मदद मिलता था। इधर जब आप समझो कलयुग आया तो कलयुग में ससाहम नाम जगाया कबीर साहब ने, आप ये समझो नानक गुरु ने वाहे गुरु नाम जगाया नानक ने, और आप ये देखो शिवदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, यह नाम कुछ पुत्र तक चले। फिर आप ये समझो हमारे गुरु महाराज जब ये आए तो इन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया, इसमें भी परमात्मा की पूरी शक्ति उसी तरह से भरी हुई है जो त्रेता में राम नाम में थी, द्वापर में कृष्ण नाम में थी, आप ये समझो सत्ता नाम में थी, वाहेगुरु में थी, राधा स्वामी में थी। इस समय पर जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, पूरी शक्ति है, उससे भी ज्यादा शक्ति ज्यादा है इस समय पर। आप ये समझो आप आजमाइश करके देख लो, मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में आ जाओ, कहीं भी कोई मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, जय गुरुदेव नाम बोल करके आप देखो फायदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन तकलीफ आवे तब फायदा करो, तो तकलीफ आवे क्यों? अरे क्यों ना पहले ही स्टे ले लो, पहले ही ब्रेकर लगा दो कि तकलीफ आपके पास आवे ही नहीं। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। तो पहले ही क्यों ना आप यानी समझो बोलने की आदत डाल लो, क्या जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। तो आप समझो इसमें तकलीफ वाले तो बहुत लोग हो, अब बताओ चाहे न बताओ, लेकिन हमको मालूम है बैठे हैं बुद्धिजीवी लोग हैं पढ़े लिखे लोग, इसमें अगर कोई चैलेंज करें तो मैं बता सकता हूँ, एक दो नहीं 10-20-50 को बता सकता हूँ कि इनके घर में बीमारी बराबर बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है, बुढ़े बुढ़िया ना लड़ें, सास और बहू का झगड़ा मशहूर है, ना लड़े तो बच्चे ही एक दूसरे का बाल काल नोचते रहते हैं, रोज झगड़ा, रोज कुछ 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 न कुछ होता ही रहता है, लोग परेशान रहते हैं, आमदनी बहुत हो रही है, खर्चा बढ़ गया, खर्च हो गया, कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता, बरकत मिलती नहीं है, मानसिक अशांति बहुत है, तो बता सकता हूँ, आप चैलेंज करो तो बता सकता हूँ। अब भाई एक एक को ये कहाँ तक बताया जा सकता है, बहुत से लोग शर्म भी खा जाते हैं, सबके सामने अपनी तकलीफ को कह भी नहीं पाते हैं। तो अब तो मैं मंच से बताने लग गया, सब जगह मंच से ही बताने लग गया, चाहे थोड़ी संख्या में हो चाहे भारी संख्या, लाखों लाख की भीड़ हमारे गुरु महाराज के पास होती थी, मेरे पास भी लोग आते हैं तो अब तो मंच से बताता हूँ। तो देखो आप समझ लो कितने भी लोग हो यहाँ पर, आपके घर में कोई भी तरह की तकलीफ है, लड़ाई झगड़ा होता हो, रुपया पैसा बरकत न होती हो, आप
आपके यहाँ कोई बीमार रहता हो, आपके शरीर में कष्ट हो, तो आप समझो पहली सीढ़ी पर ही आध्यात्म के चढ़ो। ये क्या करो, जय गुरु नाम की ध्वनि बोलना घर में शुरू कर दो, पूरे परिवार के लोगों को इकट्ठा करके जय गुरु नाम की ध्वनि बोलो और बुलवाओ। कैसे बोलना रहेगा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव यह बिल्कुल पक्की बात है कि जो यहाँ नहीं बोल पाएगा घर पर नहीं बोलेगा, इसलिए यहाँ बोल करके आदत डाल। शुरू में बड़ा विरोध करेंगे घर वाले, लेकिन जब बोलने लग जाओगे तो आप ही हावी हो जाओगे और वो लोग भी यानी समझो कि बोलने लग जाएंगे। कोई कैसा भी हो, बुरा भी क्यों ना हो, मांसाहारी हो, शराबी हो, सटोरिया हो, जुआरी हो, कैसा भी पापी ही क्यों ना घर में निकल गया हो, ना देख रेख में बच्चे बिगड़ गए हों, सबको बैठाओ, सबको बुलवाओ, तो ये जय गुरु नाम अंदर में जगह बनाएगा। तो जब अंदर में जगह बनाएगा तो कोई गाली भी देगा, कोई नाराज भी होगा, लेकिन सुनते रहे, समझ जाना जय गुरु नाम काम कर रहा है। कैसे, ये भी बता दें, एक गिलास में आप दूध रख दो, दूसरे गिलास में पानी रख दो, तीसरे गिलास में खून रख दो और एक एक रुपए का सिक्का तीनों में डालो, पानी वाले में से पानी निकलेगा, दूध वाले में से दूध निकलेगा, खून वाले में से खून निकलेगा, जो चीज उसमें होगी वही तो निकलेगा। तो जिसके अंदर पाप भरा हुआ है, जय गुरुदेव नाम जब बोलोगे अंदर जगह बनाएगा, वो स्थान बनाएगा, जय गुरुदेव नाम अपना असर जब करेगा तो क्या निकलेगा, तो श्लोक पड़ेगा कि वह स्तुति करेगा, वो तो डांटेगा फटकारेगा गाली बकेगा ही, घर का आदमी आपको खेप कहाँ फंस गया बाबा लोग चक्कर में, बहुत से बाबा जेल चले गए, बहुत से बाबा देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तू बाबा उन चक्कर में कहाँ पड़ गया, अरे खाओ पियो मस्त रहो दुनिया में और है क्या, मनुष्य शरीर का मतलब वो यही लगा रहा। कहते ना बड़े भाग मानुष तन पावा सुख दुर्लभ, कहते मनुष्य भाग से शरीर मिला है, खूब खाओ पियो, मुर्गा डालो, बकरा डालो, भैंसा डाल लो, गाय भैंस भी डाल लो, इसके अंदर सब हजम हो जाएगा, कुछ नहीं, उसका निशाना तो यही बन गया। लेकिन जब लगे रहोगे, आपका रिश्ता है, संबंध है, एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार हो, कोई कमा के लाता है, कोई बना के खिलाता है, तो जब जुड़े हुए हो तब आप दुख सुख में जब शामिल हो तो दुख आवे क्यों, वो दुखी होंगे तो आपको भी दुखी होना पड़ेगा। बच्चा बीमार हो गया, सवारी नहीं मिलती है तो कंधे पर लाद करके नहीं ले जाते हो अस्पताल, रात को 12 बजे 1 बजे भीगते हुए ठंडी के महीने में ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो, तो तकलीफों से बचाने के लिए, आने वाले खराब समय से बचाने के लिए अगर जय गुरुदेव नाम बोलने की आदत डाल दो और जय गुरुदेव नाम वो बोलने लगे तो आप कोटि कोटि मुनि यतन करही अंत नाम मुखावत नहीं, आखिर वत पर नाम जल्दी आता नहीं। लेकिन जब रट जाता है तो आपने सुना होगा नारायण नारायण नारायण, अपने लड़के को पुकार रहा था जब मार पड़ रही थी पापी के ऊपर, तो नारायण नाम मुझसे निकला तो नारायण खड़े हो गए थे, नारायण नाम में उस समय शक्ति थी। ऐसे ही जय गुरुदेव नाम को आप याद कर लो और जय गुरुदेव नाम को आप लोगों को परिवार वालों को बुलवाओ, रोज सुबह शाम एक घंटा बुलवाना शुरू कर दो। कैसे बोलना है आप बोल करके देखो, यहां पर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय।
जोर की आवाज नहीं आई। कुछ लोग तो मन ही मन में बोलते रहे, जरा मुंह तो खोल के बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना बुलवाना, और आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, या जिनके यहाँ आपका सामान का लेना देना है, दुकान का, जो दफ्तर में आपके काम करते हैं, उनको भी बताओ अच्छी बात। देखो लोग बताते हैं, जैसे कहीं सेल लगी है, अब कोई औरत गई साड़ी खरीद करके ले आई, तो पड़ोसियों को बताती है, टेलीफोन करती है रिश्तेदारों को, अरे मायके वालों को, भाभी चली जाओ दीदी ले आओ, बहुत सस्ती मिल रही, 800 रुपए की साड़ी 500 में मिल रही है। करती नहीं करती, अच्छी बात को, फायदे वाली बात को अपने नज़दीक के लोगों को बताते हो। इसी तरह से आने वाले खराब समय से बचने के लिए या तकलीफों को दूर करने वाली बात ये जो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि है, इसको बताने में आपको संकोच नहीं करना है, सबको बताना। तो ये तो रहा वर्णात्मक नाम। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? ध्वन्यात्मक नाम जो आवाज से उतरा है, आवाज ये कही है लेकिन जगह जगह ये रुक रुक करके आई, तो ये आवाज अलग अलग सुनाई पड़ने लगी, तो अलग अलग हो गए वो नाम। अब इसके लिए ना तो आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, ना आपको बाल बच्चों को छोड़ना है, ना आपको खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार जो करते हो इसको छोड़ना है। ये जरूर है कि मेहनत और ईमानदारी से जब करोगे तो बरकत मिलेगी, नहीं तो हाय हत्या लगी रहेगी, ये जरूर कहता हूँ। आप समझो कि आपको न अपना जाति छोड़ना है, न धर्म छोड़ना है, आप जहाँ भोजन खाते हो, जिस समाज में रहते हो, उसी के साथ खाना, लेकिन शाकाहारी भोजन, शाक सब्जी वाला भोजन खाना, मांस किसी भी पशु पक्षी का, अंडा हो तो उसको मत खाना। आप जहाँ अपने लड़की लड़के का शादी ब्याह करते हो, वहीं पर लड़का लड़के का शादी ब्याह करना, ये जरूर कहता हूँ कि लड़के लड़कियाँ जब पढ़ लिख लें, बड़े हो जाएं, तब देख करके आप अपने हिसाब से उनका शादी ब्याह कर दो, उनको न खोजना पड़े अपनी उम्र के हिसाब से, नहीं तो उनके जो खोज होती है, उनके जो सोच होती है, वो कहाँ चली जाती है? धन दौलत पर, पढ़ाई लिखाई पर, सुंदरता पर, और उनका स्वभाव नहीं मिलता है, रहन सहन फिर घर का नहीं मिल पाता है, तो 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। और अगर कहीं दहेज का मुकदमा लग गया तो एक बार जेल की रोटी तो खानी ही खानी पड़ती है, हालांकि सजा नहीं होता है इसमें, लेकिन एक बार जेल जाना ही पड़ता है, ऐसी नौबत क्यों आवे। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकाल कर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।